और आज का ये सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश बनाम महाराष्ट्र का ये मुकाबला है। एक तरफ होंगे आकाश शिंदे की टीम, तो दूसरे तरफ मयंक। और यहाँ पे काफ़ी शानदार बैक होल्ड लगाने का प्रयास था आकाश शिंदे का, पर सफल रहे रेडर यहाँ पे जर्सी नंबर 1 पॉइंट लेने में। फिर से शुभम शिंदे 8 पे, जर्सी नंबर 5 पे देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पे रनिंग हैंडर्स का प्रयास और काफ़ी शानदार यहाँ पे डैश, बिल्कुल राइट कॉर्नर का काफ़ी शानदार यहाँ पे डैश आया है। और यहाँ पे 2-1, 2-0 की अभी तक स्कोर है। यहाँ पे अभी 2 अंकों से लीड करते हुए, डोमिनेट करते हुए उत्तर प्रदेश की पूरी टीम। देखना होगा क्या इस रेड में महाराष्ट्र स्कोर कर पाती है या 3-0 की बढ़त रहेगी। फिलहाल यहाँ पे रेफरी का डिसीजन आना भी बाकी है और यहाँ पे रेडर को आउट दिया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र का स्कोर खुलता हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे काफी शानदार पूरी यहाँ पे थका कर रेडर को मारा है। बीच कबड्डी का ये मुकाबला चलता हुआ 11th बीच नेशनल बीच कबड्डी चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज्ड बाई बिहार कबड्डी एसोसिएशन एंड अंडर 5 एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे फिर से 1 अंक लेता हुआ 4-1 का स्कोर हो चला है यहाँ पे 3 अंकों से लीड करती हुई उत्तर प्रदेश की टीम। और यहाँ पे क्या होगा, रेडर सेफ होगा या आउट होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया है। और यहाँ पे फिर से आकाश शिंदे रेड पे जर्सी नंबर 1। क्या आकाश शिंदे पिछली रेड की तरह आउट होंगे या पॉइंट लेकर के जाएंगे, स्कोर करेंगे? अभी तक आकाश शिंदे इस टूर्नामेंट में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, इतना दिलचस्प होगा जिसकी बदौलत से उनकी टीम ने सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया। और यहाँ पे काफ़ी शानदार डोज बनाने का प्रयास किया रेडर से था या और यहाँ पे काफ़ी शानदार डोज बनाकर बुलाने का प्रयास था लेफ्ट कॉर्नर मयंक, जो उत्तर प्रदेश के लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रेडर रेड के लिए और यहाँ पे डू और डाई रेड है इनके लिए। बीच कबड्डी में हर एक रेड डू और डाई रेड रहता है। देखना दिलचस्प होगा क्या फिर से टच लगा है यहाँ पे, टू टच का क्लेम तो क्या जरूरी, बिल्कुल यहाँ पे माना है रेफरी के डिसीजन।
साइड पर पीछे जाए छोटा भाई यार मध्य प्रदेश टीम के कोच मैनेजर से मेरा अनुरोध है कि कृपया डैश पे संपर्क करें। मध्य प्रदेश टीम के कोई कोच मैनेजर या खिलाड़ी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनसे अनुरोध है कि कृपया डैश पे संपर्क करें।
और हाफ टाइम के स्कोर की बात करूं तो 15 महाराष्ट्र और वहीं 21 उत्तर प्रदेश, यहां से 6 अंकों से लीड करती हुई इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम, और वहीं 6 अंकों से पिछड़ती हुई महाराष्ट्र की टीम। देखना दिलचस्प होगा क्या सेकेंड हाफ में वापसी कर पाती है या नहीं। Hey! 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 Hey!
बहुत पीछे जा I'm
बस खत्म।